Start with the name of Allah who is the most beneficent and most merciful. Dear students, assalamu alaikum. आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.8 का क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे. क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास. फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स डिटरमाइन वेदर और नॉट द सेट फॉर्म्स अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू द इंडिकेटेड ऑपरेशंस. आपको जो सेट दिए गए हैं आपने उसमें बताना है कि सेट क्या ग्रुप्स हैं या नहीं है विद रिस्पेक्ट टू इंडिकेटेड ऑपरेशंस. जो ऑपरेशन बताए गए हैं उसके मुताबिक वो सेट ग्रुप्स हैं या नहीं है. ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट है आपके पास द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स अंडर एडिशन. तो रैशनल नंबर का सेट अंडर एडिशन ग्रुप है या नहीं है. तो अब आप बताएं कि अच्छा, ग्रुप के लिए आपको 4-5 प्रॉपर्टीज़ को प्रूव करना पड़ता है. ठीक है, उसमें आता है इनवर्स, आइडेंटिटी, क्लियर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव इनवर्स, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. ठीक है, तो इन सब को आपने प्रूव करना था, तो आप जो है ग्रुप, इसके लिए ग्रुप आप फिर प्रूव करते हैं. ठीक है, तो अब देखें आपके पास है रैशनल नंबर्स का सेट. ठीक है, रैशनल नंबर्स को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, क्यू क्या होता है आपके पास रैशनल नंबर्स. ठीक है, या यहाँ पे आप लिख दें क्यू इज इक्वल टू सेट ऑफ रैशनल नंबर्स. ठीक है, तो अब आप यहाँ पे लिखेंगे क्यू इज़ नॉट अ ग्रुप. ठीक है, ग्रुप नहीं है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन. मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन आपको बताया गया. ठीक है, अब ये क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें आपके पास इनवर्स नहीं है ज़ीरो का. यहाँ पे आप लिख दें सिंस इनवर्स ऑफ ज़ीरो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज ज़ीरो का इन्वर्स मल्टीप्लिकेशन में ज़ीरो का इन्वर्स क्या होगा आपके पास 1/0. ठीक है, और 1/0 किसके इक्वल होता है, 1/0 होता है इन्फिनिटी के इक्वल. ठीक है, इन्फिनिटी के इक्वल. तो अब इन्फिनिटी तो सेट ऑफ रैशनल नंबर्स में होता नहीं है. ठीक है, तो इसका मतलब कि क्यू जो है अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप नहीं है. ठीक है, सेकंड पार्ट है आपके पास द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन अंडर एडिशन. अब आपने पहले मल्टीप्लिकेशन में बताया था, अब अंडर एडिशन बता रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, क्यू क्या है आपके पास सेट ऑफ रैशनल नंबर्स. ठीक है, रैशनल नंबर्स को आप क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं. रैशनल नंबर का सेट है. अब आप इसकी चारों जो है वो प्रॉपर्टीज़ को प्रूव करेंगे, किसके लिए, ग्रुप शो करने के लिए. ठीक है, तो हम फर्स्ट ले लेते हैं सपोज रैशनल नंबर कोई से भी आप ले लें, 1/2, 1/3. ठीक है, ये बिलोंग करें आपके पास क्यू से, और अगर आप इनको ऐड करें 1/2 + 1/3 तो ये आ जाएगा 5/6. ठीक है, और ये अगेन एक रैशनल नंबर है. ठीक है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी आपके पास, सो क्लोज में ये होता है, यही होता है. एंड एडिशन हो तो आप दो नंबर्स को ऐड करते हैं तो आंसर अगेन उसी सेट में से आए. ठीक है, मतलब रैशनल नंबर ले रहे हैं तो रैशनल नंबर ही आंसर आए, तो आपका जो है वो क्लोज हो जाएगा. अगर मल्टीप्लिकेशन हो तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई का साइन लगा देते हैं और आंसर आपके पास रैशनल नंबर में आ जाए, तो फिर आप क्या कहेंगे कि ये क्लोज्ड है. ठीक है, अब सेकंड हम ले लेते हैं एसोसिएटिव. ठीक है, एसोसिएटिव में क्या होता है आपके पास, आप कोई से तीन नंबर लेते हैं 1/2, 1/3 एंड 1/4, ये बिलोंग कर रहे हैं आपके पास रैशनल नंबर में से. ठीक है, तो आप इसको किस तरह से प्रूफ करते हैं, 1/2 + 1/3 + 1/4 = 1/2 + 1/3 + 1/4. ठीक है,
तो ये क्या होगा, यहाँ पे वन बाई टू और वन बाई थ्री की जगह फाइव बाई सिक्स आ जाएगा, फाइव बाई सिक्स प्लस वन बाई फोर, और राइट हैंड साइड पे क्या आ जाएगा, वन बाई टू प्लस सेवन बाई ट्वेल्व। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास टेन प्लस थ्री डिवाइड बाई ट्वेल्व, और यहाँ पे आ जाएगा सिक्स प्लस सेवन डिवाइड बाई ट्वेल्व। ठीक है, ये आ जाएगा थर्टीन डिवाइडेड बाई ट्वेल्व, थर्टीन डिवाइडेड बाई ट्वेल्व, और यहाँ भी आ जाएगा आपके पास थर्टीन डिवाइडेड बाई ट्वेल्व। सो ये क्या हो जाएगा, आपके पास एसोसिएटिव भी होल्ड कर जाएगा। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, सो एसोसिएटिव ठीक है, आपने क्लोज भी यहाँ शो कर लिया, एसोसिएटिव भी। अब आइडेंटिटी एलिमेंट देख लें, अंडर मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी क्या होती है आपके पास, वन। ठीक है, अब आप ये सॉरी ज़ीरो होती है, तो आप रैशनल नंबर अंडर एडिशन में सॉल्व कर रहे हैं, तो आप क्या लिखेंगे, ज़ीरो बिलोंग्स टू क्यू, रैशनल नंबर में क्यू भी आ जाता है। ठीक है, तो ये क्या आपके पास आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, फोर्थ पे है आपके पास इनवर्स। ठीक है, तो वन बाई टू ले लें या वन बाई थ्री, आप यहाँ पे लिखिए फॉर ऑल वन बाई टू वन बाई थ्री, या आपके पास क्या है, कोई भी नंबर ले लें बिलोंग्स टू या रैशनल नंबर। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है कि इसका इन्वर्स देखें, वन बाई टू का क्या होगा, माइनस वन बाई टू। ठीक है, अंडर एडिशन में माइनस वन बाई टू, और वन बाई थ्री का होगा आपके पास माइनस वन बाई थ्री। ठीक है, तो इस तरह जो है फॉर ऑल मतलब हर एक रैशनल नंबर का इन्वर्स उसमें मौजूद है। ठीक है, तो आपके पास इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ पे आप लिख देंगे सो इन्वर्स एग्जिस्ट। ठीक है, इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है। आपने अब क्लोज भी इसको शो कर दिया, एसोसिएटिव भी, आइडेंटिटी भी, इन्वर्स भी, तो क्या आप लिखेंगे, हेंस Q under addition, Q under addition is group। ठीक है, ये क्या है आपके पास, group। अब थर्ड पार्ट है आपके पास सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर्स। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इसमें भी आपने क्लोज्ड को प्रूव करना है, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स एग्जिस्ट करे तो ये भी ग्रुप है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं इसको भी। थर्ड पार्ट है आपके पास सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो फर्स्ट आप ले रहे हैं कोई से टू एलिमेंट्स है रैशनल नंबर में से। ठीक है, तो इनको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज आपके पास ऑपरेशन मल्टीप्लाई का है, आपने इनको मल्टीप्लाई किया, तो आंसर अगेन रैशनल नंबर में से है, सो ये क्लोज्ड हो गया। ठीक है, तो इसके बाद एसोसिएटिव के लिए आप तीन नंबर लेते हैं, आपने ये तीन नंबर ले लिए रैशनल नंबर में से। ठीक है, तो वन बाई टू मल्टीप्लाई वन बाई थ्री इंटू वन बाई फोर, इस तरह से आपकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आ गई। ठीक है, तो एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड कर गया, और वन जो है आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट होता है अंडर मल्टीप्लिकेशन, तो वन भी रैशनल नंबर में मौजूद है। ठीक है, वन को रैशनल नंबर पी बाई क्यू की फॉर्म में होता है, तो वन को आप वन बाय वन लिखेंगे तो अगेन आंसर वन ही आएगा। ठीक है, तो सो आइडेंटिटी भी मौजूद है। लास्ट पे आपके पास फॉर ऑल वन बाय टू वन बाय थ्री, कोई भी आप रैशनल नंबर ले रहे हैं उनका इन्वर्स मौजूद होगा। वन बाय टू का जो है इन्वर्स आपके पास क्या आ जाएगा, टू अंडर मल्टीप्लिकेशन में, वन बाय थ्री का थ्री, वन बाय फोर का फोर, अगर सिक्स आ जाता है तो सिक्स का इन्वर्स वन बाय सिक्स। ठीक है, बिकॉज सिक्स को आप रैशनल नंबर की फॉर्म में लिखें तो सिक्स डिवाइडेड बाय वन लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरह आपके पास ऑल नंबर्स जो है का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो लास्ट में आप क्या लिखेंगे, हेंस क्यू अंडर मल्टीप्लिकेशन इज अ ग्रुप। ठीक है, फोर्थ पार्ट है आपके पास द सेट ऑफ इंटीजर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन एंड अंडर एडिशन। ठीक है, तो फर्स्ट है इसके पास, इसमें आप वन टू दो नंबर इंटीजर में से लें, उनको ऐड करें, तो आंसर फिर इंटीजर्स नंबर में से आएगा, सो इनवर्स सॉरी ये क्या हो जाएगा आपके पास, क्लोज्ड हो जाएगा। ठीक है, सो क्लोज्ड। ठीक है,
नेक्स्ट है आपके पास 1, 2, 3 बिलोंग्स टू इंटीजर्स। अगर आप एसोसिएटिव लाए 1+2+3 1+2+3 तो आपके पास आंसर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आ रही है, ठीक है, तो एन एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करता है, ठीक है। थर्ड है आपके पास अंडर एडिशन सॉल्व कर रहे थे तो आइडेंटिटी भी सेट ऑफ इंटीजर्स में मौजूद है। सेट ऑफ इंटीजर्स कौन से होते हैं? 0, ±1, ±2, up to 100, ठीक है। तो 0 भी इंटीजर्स में मौजूद है, सो आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। 1 ले लें तो इसका इन्वर्स क्या होगा? -1, ठीक है। 2 ले लें, इसका इन्वर्स होगा -2। -5 ले लें, उसका इन्वर्स क्या होगा? +5। तो ये सब इसमें मौजूद है इंटीजर में, सो इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है। हेंस जेड अंडर एडिशन इज अ ग्रुप, तो जेड क्या हो जाएगा? ग्रुप हो जाएगा। लास्ट पार्ट है 5 आपके पास, द सेट ऑफ इंटीजर्स अंडर मल्टीप्लीकेशन। तो लास्ट पार्ट है आपके पास सेट ऑफ इंटीजर्स अंडर मल्टीप्लीकेशन। तो अंडर मल्टीप्लीकेशन सेट ऑफ इंटीजर्स ग्रुप नहीं है, बिकॉज 0 क्या, 0 का इन्वर्स क्या होगा? 1/0, ठीक है। 0 का इन्वर्स होगा आपके पास 1/0, और ये होता है आपके पास इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी तो सेट ऑफ इंटीजर्स में मौजूद नहीं है, तो कोई एक भी प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती तो आपके पास वो ग्रुप नहीं कहलाता, ठीक है। तो सेट ऑफ इंटीजर्स अंडर मल्टीप्लीकेशन भी आपके पास ग्रुप नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, शो दैट द एडजॉइनिंग टेबल रिप्रेजेंट द सम्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द सेट ई ओ, ठीक है। आपके पास इवन और ऑड नंबर दिए गए हैं सेट में, ये देखें, ठीक है। अंडर एडिशन ऑपरेशन है, ये सम लिखा हुआ है यहाँ पे, तो आपने इसको जो है शो करना है कि इसमें ये बताना है व्हाट इज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ दिस सेट, इस सेट में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, ठीक है। फिर बताना है शो दैट दिस सेट इज़ एन अबेलियन ग्रुप, और इसको अबेलियन ग्रुप भी शो करना है, ठीक है। तो अबेलियन के लिए आपने क्या करना है? ग्रुप की 4 प्रॉपर्टीज़ करेंगे, उसके बाद एक लास्ट प्रॉपर्टी होगी कम्यूटेटिव। जब कम्यूटेटिव को आप होल्ड करेंगे तो इसका मतलब आपके पास अबेलियन ग्रुप है, ठीक है। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं इसमें आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, ठीक है। तो इस सेट में आपके पास ई आइडेंटिटी एलिमेंट है, ठीक है। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है कि आप जिस जो नंबर भी ऐड करते हैं, ठीक है, तो उसकी अपनी जो आइडेंटिटी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब उसकी शनाख्त पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे आप देख लें, अगर आप करें 1+0 अंडर एडिशन है ना, तो अगेन आपके पास क्या आएगा? 1, इस पर कोई भी आपके पास इसकी भी आइडेंटिटी पर कोई भी असर नहीं पड़ा, ठीक है। अब आप कर लें 8+0, तब आंसर क्या आएगा? 0, तो इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ, ठीक है, तो आपको अगेन वही आंसर मिल रहा है। तो अगर आप देखें इसमें ई करें, ठीक है, इवन नंबर को इवन में सॉल्व करके चेक करें, ई में ई ऐड करें तो क्या आंसर आता है? ई, ठीक है। फिर आप देखें ई में ई और प्लस ओ करें तो आंसर क्या आता है? ई इवन नंबर प्लस ऑड नंबर, तो आंसर क्या आता है आपके पास? ऑड नंबर, ठीक है। अब आप देखें ऑड नंबर में इवन नंबर ऐड करें, ऑड नंबर्स में इवन नंबर ऐड करते हैं तो आंसर क्या आता है आपके पास? ऑड नंबर, ठीक है। उसके बाद आप देखें ऑड में ऑड ऐड करें, ऑड में आप ऑड नंबर्स ऐड करते हैं तो आंसर क्या आता है? इवन नंबर्स, ठीक है। तो अब देखें इवन में इवन आपने ऐड किया तो इवन मिला आपको, ठीक है। इसी तरह 0+ ऑड नंबर प्लस इवन नंबर, तो ऑड मिल रहा है आपको। तो इसका मतलब ई आपके पास जो है आइडेंटिटी एलिमेंट है, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे? हेयर ई इज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट, हेयर ई इज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखें ऑड नंबर में आपने जो है ऑड ऐड किया तो आपको आइडेंटिटी मिला, ठीक है। इस पर कोई भी असर नहीं हुआ, चेंज नहीं हुआ, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना था कि आपने इसको अबेलियन ग्रुप प्रूव करना था। तो अबेलियन ग्रुप के लिए ग्रुप की 4 प्रॉपर्टीज़ आप पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद प्रूव करेंगे, उसके बाद कम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड होगा, तब आपके पास ये क्या होगा? अबेलियन ग्रुप। अब टेबल में आप देख लें, आप जिन भी 2 नंबर्स को ऐड करते हैं तो आंसर अगेन उसी टेबल का ही एक नंबर होता है, ठीक है, एलिमेंट होता है। तो फर्स्ट आप इसके लिए आपने 4 प्रॉपर्टीज़ प्रूव करनी होती है, तो आप फर्स्ट लिखते हैं टेबल शोज दैट, टेबल शोज
दैट टेबल क्या शो कर रहा है आपके पास, के सेट आपके पास सेटिस्फाई करता है, ठीक है, सेट सेटिस्फाइज या सेटिस्फाई करता है क्लोयर प्रॉपर्टी, द क्लोयर प्रॉपर्टी क्लोयर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है विद रिस्पेक्ट टू, या क्लोयर ला लिख लें, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, बिकॉज आपको ऑपरेशन जो है एडिशन का दिया गया था, ठीक है, एंड एडिशन जो है ये होल्ड करता है, बिकॉज ऑल एलिमेंट्स ऑफ टेबल, बिकॉज ऑल एलिमेंट्स तमाम एलिमेंट्स जो कि आपके पास टेबल में मौजूद हैं, ठीक है, ऑफ टेबल belongs to क्या है, अगेन आपके पास इसी में ही आ रहे हैं, इसी सेट वाले एलिमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब क्लियर प्रॉपर्टी होल्ड करती है। तो अब हम एसोसिएटिव सेकंड चेक कर लेते हैं, ठीक है, तो एसोसिएटिव के लिए आप ले लें इवन नंबर्स, इवन नंबर्स ऑड नंबर्स, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इवन प्लस इवन प्लस ऑड इज इक्वल टू इवन प्लस ऑड, ठीक है, तो इवन को इवन में ऐड करें तो आपको क्या मिलता है, यहाँ पे हम देख लेते हैं, इवन को इवन में ऑड किया तो आपको मिलता है इवन, ठीक है, इवन को इवन में ऑड किया ऐड किया तो क्या मिल रहा है आपको इवन, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा इवन और ये एज इट इज़ ऑड आ जाएगा और यहाँ पे ई आ जाएगा प्लस, ई में जब आप इवन में ऑड ऐड करते हैं तो आंसर क्या आता है ऑड, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास ऑड। अब देखें इवन में आपने ऑड ऐड किया तो आपके पास आंसर आया ऑड और इवन में ऑड ऐड किया तो, ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आ गई, इसका मतलब कि एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करता है, ठीक है, यहाँ पे आप लिख दें सो एसोसिएटिव ला होल्ड, ठीक है, एसोसिएटिव भी होल्ड कर गया। अब देखें आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, आप आइडेंटिटी एलिमेंट आपने पहले भी बता दिया था कि ई इज़ आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है, ई आपके पास एक क्या है आइडेंटिटी एलिमेंट, लास्ट में आपके पास क्या आ जाएगा इनवर्स, तो इनवर्स क्या आपके पास ईच एलिमेंट हैज़ इनवर्स, तो आप लिखेंगे ईच एलिमेंट हैज़ इनवर्स, हर एक एलिमेंट का इनवर्स आपके पास मौजूद है, ठीक है। फोर्थ चार प्रॉपर्टीज़ कर ली हैं, अब आपने कम्यूटेटिव करनी है, कम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड करता है इसमें, ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ होल्ड्स, ठीक है, ये भी होल्ड करता है। तो कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, आपके पास ऑड नंबर प्लस इवन नंबर इज इक्वल टू इवन नंबर प्लस ऑड नंबर, ठीक है, तो हम इसको टेबल में भी देख लेते हैं, इवन प्लस ऑड आता है, ऑड प्लस इवन तब भी ऑड आता है, ठीक है, इसका मतलब कम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड कर रहा है। तो आप क्या लिखेंगे सो अब सेट जो था आपके पास सेट, उसमें आपके पास इवन और ऑड नंबर्स थे, ये क्या है आपके पास इज़ अबेलियन ग्रुप, ठीक है, ये आपने अबेलियन ग्रुप ही प्रूव करना था और उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट बताना था, ठीक है। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 and 4 अच्छे से समझ आ गए होंगे, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अगर कोई बात पूछनी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।